अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइसर और टाइमलाइन का क्या फंक्शन है, उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और कहाँ कहाँ और कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसर बेसिकली आपके पास एक एडवांस फिल्टर टूल है, जिसको हम कह लेंगे आपके पास बटन होंगे। आप बटन की बेस पे जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा यानी फिल्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्लाइसर के लिए जरूरी है कि आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में हो। तो मेरे पास ये टेबल फॉर्मेट में डाटा नहीं है, अभी ये सादा डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अगर इसको मैंने टेबल पे कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ किसी भी जगह क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये, फिर ओके एंटर प्रेस करें तो ये मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई टेबल का डिजाइन चेंज करना चाहूँ तो टेबल का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं स्लाइसर पे। टेबल पे भी हम स्लाइसर लगा सकते हैं। ये जैसे टेबल पे डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास स्लाइसर की ऑप्शन आ रही है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो हमारे हेडिंग होंगी ना, जितनी भी हेड होगी, जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट है, सब कैटेगरी है, उसके बाद रिसिपिएंट आईडी है, स्टोर आईडी है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस चीज के अकॉर्डिंग मैं डाटे को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्लाइसर ऐड कर देंगे। जैसे मैं एक मल्टीपल भी स्लाइसर ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ और उसके बाद मैंने स्टोर आईडी, ये दो मुझे स्लाइसर चाहिए। अब मैं ये मेरे पास दो स्लाइसर ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा शो हो जाएगा। जैसे बैग्स है तो ये देखें, बैग्स का सारा डाटा फिल्टर हो गया। अब मैं लेडीज को करता हूँ तो ये सारा डाटा लेडीज के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया। अब नॉन प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सारा नॉन प्रोडक्ट में क्लिक हो गया। अब वो बता रहा है कि नॉन प्रोडक्ट किस किस स्टोर में है। अब मैंने सिर्फ शेखपुरा की चेक करनी है तो ये शेखपुरा का अकॉर्डिंग शेखपुरा में बता रहा है कि इस शेखपुरा स्टोर में ये नॉन प्रोडक्ट डाटा है। अगर स्टोर शेखपुरा में लेडीज का ये स्टॉक पूरा हुआ है, इसी तरह लिबर्टी में लिबर्टी का चेक करना हो, यानी कि ये मेरे पास स्टोर है, स्टोर के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट कर रहा है। अब इसी स्टोर में मैंने एसेसरी देखनी है, वारबिटॉन में एसेसरी ये आ रही है, ये देखें ये स्टोर आईडी है और ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। अब जैसे क्या मल्टीपल को भी, जैसे एसेसरी और मैंने किड्स देखना है तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूंगा कंट्रोल के साथ, यानी आप प्रेस करेंगे लेडीज को प्रेस करेंगे तो ये भी आपके पास सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने फिल्टर खत्म करना है तो यहाँ से स्लाइसर खत्म कर दें, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास इनिशियल स्लाइसर का क्या फंक्शन है, ये एक टेबल पे हो गया। अब इस पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाएं तो पिवट टेबल में स्लाइसर आता है कि हम पिवट में कोई डाटा समराइज किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्लाइसर, यानी कि उसमें स्लाइसर लगा सके या टाइम लाइन लगा सके। तो ये मेरे पास डाटा है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके हम पिवट टेबल में जाएंगे। पिवट टेबल का अगर आपने डिटेल देखना हो तो वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको उसका टच दे देता हूँ कि आपने Alt एंड VT प्रेस करना है, ठीक है। Alt एंड VT तो ये आपके पास पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू वर्कबुक या एग्जिस्टिंग में अगर हमने यही में पिवट लगाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे, अगर हमने नई शीट पे लगाना है तो न्यू ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक नई शीट बन गई है, इसमें पिवट लग गया, ठीक है। इसमें अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज, ये मेरे पास डिपार्टमेंट है, इसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है तो ये नेट सेल को उठा के मैं इधर ले आऊंगा, तो ये मेरे पास आ गई किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। इसका मैं फॉर्मेट अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, इसकी एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैंने डिपार्टमेंट लिया था, अब मैं यहाँ स्टोर आईडी करता हूँ कि किस स्टोर में कितनी कितनी सेल है, ठीक है। इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ आप कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास, अब पहले मैं स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ये मेरे पास सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट में किस में कितनी कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप इसके मल्टीपल फीचर बना सकते हैं। तो इसमें आपने स्लाइसर लगाना है। मेरे पास ये डेटाबेस बनी हुई है, मैं इस पे क्लिक करूंगा किसी एक पे, ठीक है। डिजाइन प्योर प्योर टेबल एनालाइज में आऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर करूंगा। इंसर्ट स्लाइसर में मैंने किसी डिपार्टमेंट को कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ये मैंने डिपार्टमेंट पे स्लाइसर कर लिया, ये ज्वेलरी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इस पे स्लाइसर लगाया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको जस्ट सॉर्ट करना है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग कनेक्शन भी कर सकते हैं कि जैसे आपने
तीन टेबल है, मैं कह रहा हूँ कि सभी टेबल पे जो भी मैंने स्लाइसर लगाया वो सभी पे इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो तीनों शीटों पे। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके प्यू टेबल रिपोर्ट कनेक्शन में गया और यहाँ से ओके कर दिया। पहले मैं जस्ट ये जो मेरा टेबल है ये अपडेट हो रहा था, अब मैं जो भी यहाँ से क्लिक करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो सारे अपडेट हो जाएंगे। ये देखें एक्सेसरी कितनी सेल है, यहाँ भी देखें टोटल आ रही है और ये डिटेल नीचे, ठीक है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं सबका डाटा बिल्कुल सेम है। किड्स की आप देख सकते हैं, ज्वेलरी की देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमने स्लाइसर पे डिस्कस किया, उसके बाद अगर हमने कोई टाइमलाइन पे डिस्कस करना है तो टाइमलाइन भी